आज हम बनाएंगे पास्ता। दोस्तों ये पास्ता इतना झटपट और इतना जल्दी बनता है, आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पर अलग से पास्ता बॉईल करके और बहुत कुछ तामझाम नहीं करना है, बहुत जल्दी बनता है। यहाँ पर हम ले लेंगे शिमला मिर्च, यहाँ पर मैंने से ग्रीन वाला लिया है कैप्सिकम, आप चाहे तो येलो और रेड जो बाकी सारे कलर्स आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है। अभी इसी के साथ ही हम ले लेते हैं फ्रेश गाजर। अभी जाड़े का मौसम आ चुका है, गाजर भी फ्रेश अवेलेबल होने लगा है, तो मैंने ये फ्रेश गाजर ले लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। यहाँ पर हरी मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार ही डालें, आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तीखा तो ज़्यादा डालिए, कम तो कम ही डालिए, अगर बच्चे खाते हैं तो नहीं डालें। और ये मैंने ले लिया है प्याज कली। वो प्याज जो आता है ना, प्याज का जो गाछ होता है, मतलब छोटा छोटा पौधा होता है पहले, वो वाला मैंने ले लिया है। ये मैं अच्छी तरह से छोटा छोटा स्लाइस में काट ले रही हूँ। देखिए ऊपर वाला जो फूल है वो नहीं दे रहे, फेंक दिए मैंने। अब ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही कम। अगर आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और इसके साथ ही मैं थोड़ा फ्रेश धनिया भी काट ले रही हूँ। धनिया भी अभी फ्रेश फ्रेश डालने से ना जायका बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे चीज़ हो गए मेरे तैयार। अभी मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। मैंने यहाँ पर वाइट ऑयल ही डाला है, मैंने 3 टेबलस्पून बड़ा वाला टेबलस्पून से लिया है। पहले मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, उसके साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ प्याज कली, और उसके साथ ही साथ हम डालेंगे कैप्सिकम, क्योंकि ये सारे सब्ज़ी थोड़े बड़े साइज़ के काटे हुए हैं और ये फ्राई होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं पहले ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्का इसे फ्राई कर लेंगे, ये थोड़ा जैसे ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। अभी इसके साथ ही हम दे देंगे गाजर, क्योंकि गाजर को मैंने कद्दूकस किया है तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पकने में। तब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स, और इसके साथ ही साथ दे देंगे पास्ता। याद रखिए पास्ता मैंने यहाँ पर बॉईल नहीं किया है, सिर्फ प्लेन पास्ता अनकुक्ड, बिना कुक किए हुए पास्ता को मैंने अभी सिर्फ डाला है यहाँ पर। सो पास्ता को भी सब्जी के साथ हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई कर लेंगे, टॉस बोल लीजिए। और उसके बाद ही हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप से 1 कप पानी दिया है और इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद लो फ्लेम कर दीजिएगा ताकि ये धीरे धीरे से पक जाए। देखिए ये पास्ता मेरा बॉईल हो चुका है, मतलब ये गल गया है। अभी मैं इसमें डाल देंगी मैगी मसाला। तो मेरे पास मैगी मसाला था पहले से ही, अगर आपके पास नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप पास्ता मसाला मार्केट से मिलता है वो भी आप दे सकते हैं। ये सूखा मसाला है, इसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी दे रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से पास्ता के साथ मिल जाए, और इसको मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन्हें धीमे धीमे ही पकाइए, फ्लेम मीडियम टू लो ही रखिए। और उसके साथ हम इसमें दे देंगे सैलड ड्रेसिंग्स। मेरे पास ये सैलड ड्रेसिंग पहले से था इसलिए मैं दे रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर चीज़ डिप भी या तो चीज़ सॉस कुछ भी आप डाल सकते हैं। अगर चीज़ सॉस भी नहीं है तो सिंपल चीज़ आप इसमें ग्रेट करके इस वक्त डाल दीजिए ताकि इसमें एक चीज़ी फ्लेवर आए। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी भी रख सकता है, तो आपको लगेगा आप वाइट सॉस में खा रहे हो, पूरा वाइट सॉस का फील आएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ भी थोड़ा ज़्यादा दीजिए, पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, तो ये पूरा वाइट पास्ता जैसा बन जाएगा। चीज़ वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे, आप चाहे तो ना दे, वैसे भी ये खाने में अच्छा लगेगा। तो और नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, मैंने अलग से नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैगी मसाला में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसके लिए काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि नमक थोड़ा कम है तो आपके टेस्ट अनुसार नमक डाल लीजिएगा। मैंने ऊपर से एक कोरिएंडर डाल के उसका गार्निश किया है और ये बन गया झटपट सा पास्ता। तो ये बच्चों का टिफ़िन सुबह देने के लिए एकदम सही है, अब बहुत जल्दी ये बन जाता है। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।